देशभर में लगातार साइबर माफिया द्वारा डिजिटल अरेस्ट कर लोगों को मानसिक तौर पर प्रताड़ित कर उनसे लाखों करोड़ रुपए ठगने के ऐसे मामले सामने आ रहे हैं। गुजरात के अहमदाबाद से भी कुछ इसी प्रकार का मामला सामने आया, जहां एक वृद्ध को डिजिटल अरेस्ट कर 1,26,00,000 रुपए ठग लिए। अहमदाबाद साइबर क्राइम ने इस मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार तक कर लिया है। आपको बता दें कि 10 अक्टूबर को अहमदाबाद के एक बुजुर्ग ने साइबर क्राइम ब्रांच में एक शिकायत दर्ज कराई, जिसमें उन्होंने कहा कि उन्हें एक वीडियो कॉल आया था जिसमें सामने वाले ने बताया कि उनके बैंक खाते से मनी लॉन्ड्रिंग हुआ है। ठग ने पहले तो खुद को पुलिस अधिकारी बताया, फिर सीबीआई अधिकारी बनकर बुजुर्ग को डिजिटल अरेस्ट कर लिया। फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के डीपी वाले व्हाट्सएप नंबर से फोन कर कहा गया कि आपके खिलाफ समन है, आपके बैंक खाते से 2 करोड़ रुपए का ट्रांजेक्शन हुआ। फिर ठगों ने अलग अलग तरीके से बुजुर्ग को डराकर डिजिटल अरेस्ट करके लगातार उन पर नजर रखी और उनसे बैंक खाते के साथ एफडी की जानकारी तक निकाल ली। फिर ठगों ने बुजुर्ग को धमकाकर बैंक में रखी हुई रकम और एफडी तुड़वाकर इन्वेस्टिगेशन के लिए भेजने को कहा और साथ ही भरोसा दिलाया कि अकाउंट के वेरिफिकेशन के बाद 48 घंटे में उनकी रकम वापस कर दी जाएगी। ऐसा दावा करते हुए ठगों ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का नकली सर्टिफिकेट बनाकर रकम हासिल कर ली। 48 घंटों में रकम वापस नहीं मिली तब जाकर बुजुर्ग ने साइबर क्राइम में शिकायत दर्ज कराई, जिसकी जांच के दौरान साइबर क्राइम पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। सर, 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, कौन से केस में और क्या रोल रहा है? अहमदाबाद साइबर क्राइम पे एक FIR रजिस्टर की गई थी, जिसमें एक सीनियर सिटीजन को किसी अननोन पर्सन ने व्हाट्सएप में पहले एक IPS ऑफिसर के नाम से बात करके बोला था कि उनका बैंक अकाउंट है वो मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटी में यूज हुआ है और उसमें काफी क्राइम की प्रोसेस आई है। उसके बाद अलग अलग बहाने करके फिर जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उनका भी फोटोग्राफ डीपी में रख के एक और व्हाट्सएप कॉल से उनको कॉन्टेक्ट किया गया था और बोला था कि आपका केस है सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है और उनका डिजिटल इंट्रोगेशन किया जाएगा आपका ऑनलाइन। ऐसे धमका के उनको डिजिटल अरेस्ट करके फिर लास्ट में उनको बोला गया था कि तो अगर आप इन्वॉल्व नहीं है तो आपके जितने भी बैंक अकाउंट है उसमें जो रकम है उनकी देखना पड़ेगा कि वो कहीं इलीगल एक्टिविटीज में नहीं। ये बहाना करके जो विक्टिम है उनको डिजिटली अरेस्ट करके उनके पास से टोटल 1,26,00,000 जितनी रकम इन लोगों ने अलग अलग अकाउंट में ट्रांसफर करवाई थी। तो हमने जो इन्वेस्टिगेशन करी थी तो PIR गढ़वी वॉज द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर और उसने कितने अकाउंट में ये पैसा गया है उनका एग्जामिनेशन किया था और इसमें से सेकंड लेयर में कुछ अकाउंट गुजरात के थे जिसमें ये पैसा आ रहा था। तो अहमदाबाद के ऐसे 3 अकाउंट थे जिसमें 10-10 लाख की ये रकम आई थी। तो उसी के सिलसिले में हमने 4 आरोपियों को अरेस्ट किया है कि जो लोग ये पैसा जो सेकंड लेयर में आ रहा था एक्चुअली बेसिकली ये लोग क्रिप्टो करेंसी में कन्वर्ट कर रहे थे। जो कॉल जनरेट हो रहा है जो व्हाट्सएप कॉल हो रहा है वो इंडिया की बाहर से कंबोडिया वगैरह से जनरेट हो रहा है और वो लोग पहले डमी अकाउंट में ये पैसा डिपॉजिट करते हैं और फिर सेकंड लेयर में देविल वो फाइंड करते हैं तो क्रिप्टो करेंसी में ये अमाउंट को कन्वर्ट करते और क्रिप्टो करेंसी कन्वर्ट करने में ये 4 लोग अरेस्ट किए हैं, इनका मेजर रोल था। इनका नाम सर क्या है और बैकग्राउंड क्या है? जो एक आरोपी है जिसका अकाउंट नंबर उनका नाम जावेद अली है और ये हाई स्कूल ड्रॉप आउट है और दूसरा आरोपी जिसको इसने अकाउंट दिया था उसका नाम तरुण वाघेला और दूसरे जो आरोपी एक विजेश पारेख और शुभम ठाकर, ऐसे टोटल 4 आरोपी अरेस्ट हुए हैं और उसमें से एक आरोपी जो मेन अक्यूज है शुभम ठाकर, तो इससे पहले हरियाणा पुलिस ने भी उनको साइबर क्राइम के केस में अरेस्ट किया था और 2 आरोपी जिनको ये सब कैश करवा के दे रहे थे वो आरोपी अभी फरार है जिनकी हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। ऐसे कई मामले पुलिस के सामने आए हैं। हाल ही में अहमदाबाद साइबर क्राइम ब्रांच ने ताइवान के एक गैंग को गिरफ्तार किया जिसमें लगभग 5,000 करोड़ रुपए क्रिप्टो के जरिए चीन तक भेजे गए थे। जैसे जैसे डिजिटल क्रांति होती जा रही है पुलिस की चुनौती और बढ़ती जा रही है। अब साइबर क्राइम ब्रांच इनके मास्टरमाइंड तक पहुंचने की तैयारी में जुटी हुई है। तो अगर आपके पास भी ऐसा कोई कॉल आता है तो आप भी सतर्क हो जाइए और तुरंत पुलिस को इसकी जानकारी दीजिए।